रहे हैं कौन सा बॉगी है, अभी ढूंढ रहे निकाल रहे हैं, देखते हैं कौन सा वाला में है। और पूरा देख ही पा रहे हो काफी लंबा ट्रेन का, और यहाँ तक अभी कौन सा स्टेशन है, कौन सा ये वाला बॉगी चल रहा है, B21। तुम्हारा साला जा रहा है, कुछ बोलोगे नहीं? मैं बहुत खुश हूँ। रोगे नहीं? छाती पे से एक सांप कम हुआ लोग। तो चलिए हम लोग अभी जा रहे हैं छोड़ने के लिए, पता नहीं अंदर कौन सा कितना बड़ा है, हम लोग चले ही जा रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं। हम लोग का बुढ़ापा आ जाएगा लग रहा है जाते जाते। हाँ, यहाँ जाते जाते भी दम निकाल के ही जा रहे हैं। चलो अल्टीमेटली हम लोगों को मिल गया, ये है इसका हम सफर बॉगी। और यहाँ इतना दूर हम लोगों को चल के आना पड़ा, इतना दूर काफी पीछे है। और ये देखो एकदम लास्ट। तो चलिए अंदर घुसते हैं और देखते हैं क्या हालत है स्टेशन की, इतना दूर तो चल लिए, बोगी का क्या हालत है अंदर में। तो हम लोगों का काम हुआ खत्म, यहाँ पर ये बंदे लोग सब बैठ गए हैं। जल्दी आए, अरे भैया अभी चला जा रहे होते, लास्ट चढ़ा कर दो जा रहे स्टेशन है भाई ना, न्यू प्लेटफॉर्म में ढूंढ भी कोई प्लेटफॉर्म टिकट नेवा अच्छे। तो यहाँ पर बंदा सब बैठा हुआ है और हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे, बहुत सफोकेशन हो रहा है, जब तक ट्रेन नहीं चलेगी ना बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है क्योंकि एसी नहीं चल रहा है। किसी को देखना, किसी ने बोला तो नीचे रहो, हम भी चले जाए। क्या होगा, दो सांप लोटिया ना कम होगा। मुझे क्या बाद में डील कर ही दूंगा, कैसे सर कलम कर दूंगा। खुशी भी दोनों सांप से मेरे को छुटकारा मिलेगा। छोड़ने वाली है और यहाँ पर हम लोग रोने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये जीजा तो एकदम रोने के लिए पक्का इंतजार कर रहा है, अभी चलो अच्छे से रहो, ठीक ठाक से जाओ। जब वहां से लौटे और आप लोग लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोग बाइक लेके लौट रहे थे और लौटने के टाइम में बहुत जोर की बारिश होने लग गई, तो पूरा भींग गए थे और कहीं रुकना ठीक नहीं लगा क्योंकि 11:30 ऑलरेडी हो चुके थे। तो जितना लेट करेंगे घर आने में लेट होगा, फिर क्षितिज भी नानी के घर पे था, उसको भी लेके आना था, और सबसे बड़ी बात है कि जैस्मिन घर पे अकेली थी। तो हम लोगों को लगा कि नहीं लेट नहीं करते, फटाफट निकलते हैं, जैसे भी है भींग के ही हम लोग चले आए। तो और उसके बाद पूरा भींगे हुए थे, तो फिर हम लोग आके यहाँ हम रास्ते में मोबाइल भी नहीं निकाले और ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं किए। तो हाँ अल्टीमेटली भाई चला गया और बहुत अच्छे से अभी तक तो वो मैंने हम लोगों से बातें हुई, सुबह भी बातें हुई उसके साथ, सुबह 8:30 बजे मैंने पापा ने कॉल किया था, फिर मैंने कॉल किया, अभी तक आंध्रा पहुंच चुका है। तो आज कल और रात को उसने ट्रेन पे बोर्ड किया था, तो आज सारा दिन और बाद मतलब 14th को सुबह 6:30 या 7 बजे उसकी ट्रेन मतलब स्टेशन पे ही आ जाएगी। तो वो वहाँ पर शायद उतर के उसके बाद वो वहाँ से जाएगा, तो उसके साथ 2-3 और फ्रेंड्स थे, तो हम लोग इसलिए थोड़ा सा और भी निश्चिंत थे क्योंकि वो अकेला जा रहा है, फर्स्ट टाइम गया है,
इसके बाद पहले गया था फैमिलीज के साथ गया था, नॉट अकेले, इस बार अकेले गया है। तो चलिए कुछ नहीं, सफर अकेले भी करना जरूरी है, और जिंदगी का सफर जो है ना वो हर वक्त अकेले करो ना तो आपको कभी मतलब क्या बोलूँ आपको, कभी आपको परेशानी नहीं होगी, आप इंडिपेंडेंटली भी सब कुछ कर सकते हो। तो चलो आज का व्लॉग मैं शायद थोड़ी देर बाद और मम्मी के घर पे जाके ख़त्म करूँगी, अभी मम्मी बुला रही है, शायद वो भी थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि दिखा नहीं रही है, बट अपसेट कहीं ना कहीं है ज़रूर, मुझे भी पता है, सबको का मूड थोड़ा बहुत तो अपसेट है ही है क्योंकि जितना भी हो एक बेटा है जो कि घर से दूर गया है, काफ़ी दूर गया है, तो इसके लिए वो भी मम्मी बुला रही थी। अब मम्मी क्या आज बोल रही है कि आज मैं क्या खाना बनाऊँगी, आज कुछ स्पेशल बनाने वाली है कि तू आ जाओ, तो फिर वहाँ निकल रहे। आज क्षितिज भी नहीं गया है क्योंकि हमारे यहाँ पर रैली है, आप लोगों को कल के वीडियो में जिसने देखा होगा उन लोगों को देखा होगा, बहुत सारे पुलिस वगैरह का गाड़ी वगैरह था, तो वो ही आज रैली है बोल के यहाँ पर कलकत्ता, मतलब हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं रोड साइड वगैरह जाना, तो हम क्षितिज को भी मैंने स्कूल आज नहीं भेजा, तो वो भी घर पे है, तो उसको लेके अभी जाएंगे मम्मी के घर पे। चलिए आपको मिलते हैं मम्मी के घर पे जाके। तो मम्मी के घर पे जाने का बात कर रहा था, तो मम्मी के घर गए थे और थोड़ा बहुत काम करके रिटर्न भी आ गए, और अभी चल रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस देखने, जो कि ये पार्ट थ्री और एपिसोड्स वगैरह सब कुछ आ गए हैं, और मैं अभी तक देखी नहीं थी, और इसके पहले मुझे नींद आ जाए क्योंकि मेरी आंख थोड़ी छोटी हो रही है, तो इसके नींद आने के पहले मैं जल्दी जल्दी सीरीज को कंप्लीट करती हूँ, आप लोगों से भी रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप लोगों से करती हूँ अलविदा, मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे, और खुश रहने की कोई वजह नहीं होती है ना, चलो टाटा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में।